पाकिस्तानी समाजी रहनुमा और सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह सारिम बर्नी की इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में हिरासत के मामले पर अमरीका का रद्दअमल सामने आ गया। वॉशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने अपने रद्दअमल में कहा कि इंसानी स्मगलिंग, बच्चों की खरीदो फरोख्त और गैर कानूनी गोद लेने जैसे जराइम की रोकथाम पाकिस्तान और अमरीका के बाहमी दिलचस्पी के शोबे हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका अपनी जिम्मेदारी को संजीदगी से लेता है कि वो बैनुल मुल्की गोद लेने के अमल में शामिल बच्चों और खानदानों के तहफ्फुज़ के लिए हिफाजती इकदामात पर नजर रखे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि हम इन मसाइल पर पाकिस्तानी हुकाम के तआवुन को सराहते हैं। वाज़ह रहे कि सारिम बर्नी के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में दर्ज मुकदमे में हया नामी नौमौलूद बच्ची को अमरीका स्मगल करने का इल्जाम आयद किया गया है। दर्ज मुकदमे के मुताबिक सारिम बर्नी ने गुज़िश्ता एक साल में 20 नौमौलूद बच्चों को अमरीकी वालदैन को गोद देने के नाम पर स्मगल किया। अमरीका भेजे गए बच्चों में 15 से जायद लड़कियां शामिल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।